कर रहा है, वाह बोला। चलो, सो सीओ टू ट्रांसपोर्ट, तो जैसे सीओ टू आया, आप आरबीसी के थ्रू सबसे पहला पाथवे क्या होगा बोलो, सबसे पहले क्या होगा, तो कितना परसेंट बोलिए। सो 70% सीओ टू प्लस H2O, ओके 70% CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म H2 H2CO3 CO3, फिर ये टूट के क्या बन जाता है, H H प्लस प्लस एंड CO3 माइनस प्लस HCO3, ठीक HCO3 माइनस। है। नाउ अब ये जो है आपका रिएक्शन, ना इस रिएक्शन के लिए क्या होता है बताइए, ना कार्बनिक एनहाइड्रेस जरूरत है रिएक्शन के लिए हमें कार्बनिक कौन सा एंजाइम चाहिए, एनहाइड्रेस कार्बोनिक कार्बनिक एनहाइड्रेट। एंड एक चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि नहीं, जो लोग ऑनलाइन क्लास में साइलेंट थे, अगर वो ऑफलाइन क्लास में कुछ ज्यादा ओवर एक्टिव हुए तो जेजेस विल अप्रूट योर हेयर्स, जो कि मेरा फेवरेट पनिशमेंट है, आत्मन लोग जानते हैं, ओके बिकॉज वो आप प्रूव नहीं कर सकते हो ना कि सर ने मेरा 10 बाल उखाड़ दिया, अरे पहले था कितना वो तो बताओ ना, क्या बोल रही है पायल, तो यू कैनॉट प्रूव इट कि सर ने मेरे बाल उखाड़ दिए, है कि नहीं। जी इसीलिए सर 36 मिलियन, जी ओके 36 मिलियन पर, मॉलिक्यूल्स पर ओके मिनट पर एंजाइम। तो ये है आपका एंजाइम। यस सत्य ने एक बहुत अच्छा चीज बोला, पर एंजाइम, एक्चुअली दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर, ये इंडिविजुअल एंजाइम का बात है। यस सर एंड यस सर नेम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एंजाइम एंजाइम क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। सो द एंजाइम्स नेम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब ये जो HCO3 बना, दिस बाइकार्बोनेट, ये क्या है, ये एक कॉन्जुगेट बेस है, समझ में आया। तो यू नो कॉन्जुगेट, दो कार्बोनिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बे कार्बोनिक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक वीक एसिड एसिड है, तो वीक उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस। बेस। तो वो पीएच को क्या कर देगा आरबीसी का, बेसिक बढ़ा बढ़ा देगा, देगा तो वो धड़ से पीएच को बढ़ा देगा। बढ़ा देगा जैसे ही पीएच को बढ़ा देगा, एंजाइम क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल हैपन टू एंजाइम, डीनेचर। जी डीनेचर हो जाएगा, फिर तेरा सर क्या होगा रे आत्मन, मर जाएंगे सर। वेरी गुड, समझ में आया, मरना है तो बिल्कुल नहीं सर। क्या करेंगे, इसको भगाएंगे। ओ पाद जी थो, तो अब हमने क्या कर दिया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट को भगा दिया, ठीक है। तो वी हैव रिमूव्ड बाइकार्बोनेट, ओके बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बाइकार्बोनेट भगा रहे हो, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा वो सेल का, है कि नहीं, जी सर तो इसलिए हम उसको भगा नहीं सकते, तो इसलिए हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज बैलेंस जी सर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और नेगेटिव आयन अंदर लाते हैं,
क्लोराइड आयन हम लोग बोलते हैं. एंड इस फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं? सो दिस फिजियोलॉजी इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट. क्लोराइड शिफ्ट. ओके, इसको क्लोराइड शिफ्ट या बाइकार्बोनेट शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं. हैमबर्गर शिफ्ट भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ ये जो क्लोराइड आया, ओके, ये जो क्लोराइड आयन आया, अब क्या करेगा? इसको हम रिएक्ट कर देंगे. ठीक है. तो नाउ वी विल डू रिएक्शन. तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? पोटेशियम. हाँ, तो पोटेशियम निकालना पड़ेगा ना. तो इसलिए अब हमें एक डीऑक्सीजनेशन स्टेप करना पड़ेगा. तो जो हमारा हीमोग्लोबिन आ रहा है KHbO24, याद है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है. तो ये जब आएगा, ठीक है, व्हेन दिस विल कम, तो इधर से निकला कौन? H+. तो इसलिए ये H+ से बाइंड करेगा. ओके, KHbO24 प्लस H+, तो ये क्या बना देगा? HHB, क्या? HHbO24. एंड फिर ये क्या कर देगा? ये बना देगा HHb plus 4 O 4 O 2. अंडरस्टूड? ये पूरा बढ़िया रिएक्शन से इनको आपको याद रखना पड़ेगा. तो समझ रहे हो? तो ये जो पोटेशियम, तो पोटेशियम आएगा तो ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ता है, एंड हाइड्रोजन आएगा तो कार्बन एफिनिटी बढ़ता है. अंडरस्टूड? तो ये कब हो रहा है? एट हाई PCO2. हर समय ये कंडीशंस लिखना पड़ेगा आपको, एट हाई PCO2. ठीक है. तो अब ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. फाइन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये बन गया क्या? रिड्यूस ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ये जो रिड्यूस्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, ओके, हैज हाई एफिनिटी फॉर CO2 एंड लो एफिनिटी फॉर O2. सो इट विल क्या? अनलोड O2 एंड लोड CO2. तो समझ में आया? तो इसलिए इसने क्या किया यहां? तो उसने यहां क्या किया? आपका फाइन अनलोड कर दिया, एंड इसको अब लोड करेगा और क्या? ठीक है जी? यस सर. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इधर से निकला कौन? इधर से निकला आपका K+. सो K+ इधर से निकला. तो अब ये जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा हम इधर ले आएंगे. फाइन. तो ये जो क्लोराइड अंदर आया, वो क्या करेगा? वो क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बोलिए. KCl. KCl. सो दैट इज व्हाई K+ प्लस Cl-. ओके, तो ये जो K+ है, ये उधर से आया, एंड वो क्या बनाएगा? KCl. ठीक है जी? तो सही पे ही हमारा एक तो ऊपर क्या जाएगा?
तो व्हाट विल गो टू द लंग्स, एक जाएगा केसीएल, ठीक है, केसीएल विल गो, फाइन। एंड इस तो अब हमने बैलेंस कर दिया, ओके। एक और CO2 वाला रिएक्शन करेंगे, ओके। एक और आएगा CO2, ये कितना परसेंट है, 22-25% CO2, तो 70% यहां चला गया, ये आपका सेकेंड रिएक्शन है कि नहीं। तो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो आपका 20-25% CO2 इज कंबाइन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HHbNH2, तो ये वही हीमोग्लोबिन है, NH2 सिर्फ हम दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड के साथ बाइंड करके जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर उसमें नहीं था, उसमें था, हमने दिखाया नहीं था, अंडरस्टूड, बिकॉज पीपल विल से वेयर डिड यू गेट दिस NH2 फ्रॉम, अरे हीमोग्लोबिन में एमिनो एसिड NH2 नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड, तो ये HHbNH2, ये HHb सेम चीज है, इसको हीमोग्लोबिनिक क्या एसिड बोलते हैं, एंड इसका किसके प्रति एफिनिटी ज्यादा है, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर CO2, ओके। सो दिस इज आल्सो हीमोग्लोबिनिक एसिड, ओके, अंडरस्टूड। तो जैसे ही वो हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ बाइंड क्या करेगा, तो क्या होगा, सो दिस विल फॉर्म कार्बामिनो HH फॉर्म करेगा NH COO H, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इसमें आप लिखेंगे CO2 moves in association with the globin part of hemoglobin, जैसे कभी कभी आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा that is CO2 a competitive inhibitor of oxygen, तो आप क्या बोलेंगे, नो सर, नो, why no, सर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, yes, नहीं नहीं, अब ये एक नॉनसेंस आंसर है सत्य, मैं क्यों ये नहीं है बोलने से तुम वो है बोल रहे हो, क्यों ये नहीं है बताओ, why they are not competitive inhibitors, that you have to tell, जल्दी बताइए। तो ये हमारा आरबीसी के अंदर हो गया, तो हमारा ऊपर कौन कौन जाएगा, एक केसीएल जाएगा, एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जाएगा, ठीक है, मैंने थ्रू दी आरबीसीज, आरबीसी के अंदर ये दोनों जाएंगे, बाहर कौन जाएगा, ये पूरा रिएक्शन हम कॉपी करेंगे एंड ये बाहर करेंगे, तो दैट इज इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होगा, तो ये थर्ड रिएक्शन है, दिस इज थर्ड रिएक्शन, दिस इज 5-10% CO2 प्लस वाटर, ये ऐसे बनता है, एंड ये जाएगा कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर वो डिसोसिएट होगा दिस, सो यहाँ कोई एंजाइम नहीं है, तो यहाँ एट द रेट ऑफ क्या होगा, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, ठीक है जी, तो दिस इज द रेट, तो ये है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, ठीक है। सो आप इसका मतलब आप जान रहे हो कि वो काफी ज्यादा स्लो है, तो इसको हम अदरवाइज लिख सकते हैं 3.5
1.6 minutes molecules per minute. Okay, so this is the case. तो समझ आया? तो ये है गैस ट्रांसपोर्ट का स्टेप. तो हमने तो ये जो स्टेप है रेड वाला वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, एंड जो भी हमने ब्लू बनाया वो CO2 ट्रांसपोर्ट है. ओके, तो आप जानते हो ये इस पाथवे से कितना आता है. तो दिस इज अराउंड 97%. ओके, ऑक्सीजन उधर से चला जाएगा. फाइन, आरबीसी को हम छोटा कर सकते हैं अभी, है कि नहीं? तो ये आरबीसी को छोटा कर लिए. फाइन, एंड इधर हम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन दिखा देंगे. तो वी नो दैट व्हाट, सो 3% O2 इज ट्रांसपोर्टेड एज dissolved gas, okay, in the blood plasma. तो ये भी जो हमने लिखा bicarbonate, ये है in the blood plasma. ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऊपर कौन कौन जाएगा, माने ये एक्चुअली दो स्टेप रिएक्शन है, तो दूसरा आप लोग खुद घर में कर लेंगे क्योंकि उतना वक्त होता नहीं हमारा. तो जो दूसरा स्टेप है वो आप खुद कर लेंगे. तो ये आपका, तो आरबीसी के अंदर कौन कौन जाएगा, KCl है कि नहीं, हु विल गो, तो ऊपर टू दी हार्ट या लंग्स एक KCl जाएगा, एक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जाएगा, एंड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट यहां से भी जाएगा एंड यहां से भी जाएगा. तो यहां से कितना परसेंट बाइकार्बोनेट जा रहा है, बोलो 70%. यहां से कितना परसेंट बाइकार्बोनेट जा रहा है, 5 to 10%. ओके, तो ये 70% जा रहा है, ये 5 to 10% जा रहा है. ओके, एंड जो ये इधर जाएगा 20 to 25%, और क्या 20 to 25%. ओके, तो आ गया मजा. सो दिस विल गो बैक टू वेयर, दिस विल गो बैक टू द लंग्स. तो ये देखो आ गया मजा, कितना बढ़िया डायग्राम बना दिया है कि नहीं. जी सर, बट फिर भी आप लोग वो वाला, फिर भी आप लोग कालू को ही लव करते हो, क्या किया जाएगा बताओ. हाँ बोलो, क्या हुआ सर. सर वो वाला क्वेश्चन का शायद से आंसर पता चला मुझे लगा. हाँ बताइए. सर वो कार्बन डाइऑक्साइड तो शायद से सर ग्लोबुलिन पार्ट्स के साथ बाइंड करता है ना. हाँ, तो सर लेकिन ऑक्सीजन तो आयरन के साथ बाइंड करता है. ऑक्सीजन मूव्स विथ हीम एंड CO2 मूव्स विथ ग्लोबिन, सो दे डोंट बाइंड टू द सेम ग्लोबिन. समझ में आया? तो दे डोंट बाइंड टू द सेम साइट, दैट इज वाई दे आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स हो गया. चलिए, तो इस yes. ये हमारा एक है, आज दूसरा तो उधर है उतना, तो अभी तो आपका छुट्टी हो गया टाइम, तो वो आप खुद से उल्टा करके लिख देंगे. ओके, चलिए, सो वी हैव फिनिश्ड द गैस ट्रांसपोर्ट स्पेशल पार्ट. सो टुमारो वी विल डिस्कस रेगुलेशन एंड गो टू सर्कुलेशन, कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे, फिर चले जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. चलिए, ओके बाय. एंड आप लोग जितना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मेरे लिए उतना अच्छा है, मैं जल्दी जल्दी कम पढ़ा के खत्म करता हूँ.